हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप आज के व्लॉग में सबसे पहले मैं आप सभी को मेरी ईस्टर, आज ईस्टर है, आज संडे है, तो आज इटली बंद है, पूरा 2 दिन बंद रहता है, संडे और मंडे। तो जो ईस्टर होता है वो इटालियन में इसे वो पास्कवा बोलते हैं। बोनू पास्कवा में जैसे कि इटालियंस होते हैं, सभी अपने बच्चों को, मतलब जो रिलेटिव है, रिलेशन है, जिनको, मतलब बच्चों को एक दिया जाता है संडे वाले दिन। तो इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि मालूम भी होगा ये, फिर भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो ईस्टर है वो गुड फ्राइडे से ही स्टार्ट हो जाता है। गुड फ्राइडे में इसलिए स्टार्ट हो जाता है क्योंकि बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर जो फ्राइडे को है, जो जीसस होते हैं यीशु, वो परमेश्वर के बेटे होते हैं, पुत्र होते हैं। उन्हें, मतलब फ्राइडे वाले दिन, मतलब उनको एक क्रॉस की, जो क्रॉस होता है, उनको मतलब हैंग कर दिया था। बहुत बुरी तरह से उनको कोड़े मारे गए थे और उनको बुरी तरह से मार दिया गया था। तो मतलब वो भी दुख का दिन है। और 2 दिन बाद वो संडे वाले दिन वो वापस आ गए थे। तो इस खुशी में सभी जगह सेलिब्रेट किया जाता है कि हमारे जीसस वापस आ गए हैं, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि हिंदू धर्म में हिंदू रामचंद्र जी हैं, वो 14 साल का वनवास काट के वापस जब आए थे, तो उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ दिवाली फेस्टिवल। दीपक जलाया जाता है, एक दूसरे को मिठाई दी जाती है। सेम यही इटली का भी है कि जीसस को, यीशु को, परमेश्वर के पुत्र को क्रॉस में हैंग कर दिया गया था, और फ्राइडे को मतलब उनको अच्छे, मतलब मार दिया था। 2 दिन बाद फिर वो वापस लौट आए। तो ये उनकी खुशी के लिए, खुशी का दिन है, वो इस खुशी को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब सभी के घरों में बच्चों को जो चॉकलेट वाला एग है उनको दिया जाता है। और सुबह मॉर्निंग में भी मेरे घर में मेरे नेबर है, नोना है, उन्होंने भी मेरे बेटे को एग दिया है चॉकलेट वाला। तो सुबह ओपन कर लिया था, बट वो व्लॉग में डाल नहीं पाई क्योंकि सुबह इतना बिजी हो गई थी। साफ सफाई सफाई की, किचन को अच्छे से मैंने क्लीन वगैरह किया, क्योंकि चीज़ में फिर मैंने अपना खाना वाना बनाया। अब मेरे हस्बैंड अपना चिकन बना रहे हैं, सो अब मैं फ्री हूँ। मैंने कहा चलो व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, ईस्टर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब एक अंडा मेरे हस्बैंड लेके आए, तो वो चीज़ भी मैं अभी ओपन करूँगी बेटे के साथ। और हमारे घर के पीछे ही बैक साइड, जो मैंने आपको चैंत्रों में भी व्लॉगिंग में भी दिखाया था, चैंत्रों हमारे घर की बैक साइड है, वहाँ पर झूले भी लगे हैं बच्चों के लिए इंजॉय के लिए। तो वो झूले भी 2-3 दिन के लिए लगे होते हैं क्योंकि इंजॉय वाला दिन होता है। तो मैं अपने बेटे को वहाँ झूला झुलाने भी लेके जाऊँगी और आपके साथ करूँगी। सो अभी तो मैं आपको दिखा रही थी, मैंने साफ सफाई अच्छे से कर ली है। मेरे हस्बैंड जो है चिकन बना रहे हैं, मैंने दोनों नहा धो लिए, शॉवर ले लिया, फ्रेश हो लिया, इसको कपड़े पहना दिए। ईस्टर में इसके, मेरे बेटे के लिए मैंने ये ड्रेस लेके आई हूँ मेरे में गिफ्ट के तौर पे। अब ये चिकन बना रहे हैं तो ये चिकन बना रहे हैं। मैंने भी ड्रेस पहन लिया है, मतलब मैं ये टॉप लेके आई थी, तो गले में आज मैं फर्स्ट टाइम ये मैंने स्ट्रिंग डाली है। ऑलमोस्ट मेरे गले में गोल्ड की चेन होती है, बट गोल्ड की चेन मेरे बेटे ने तोड़ दी है खींच के, तो कोइंसिडेंस की बात है। आज मेरे नेक पे गोल्ड की चेन नहीं है, तो आज मैंने ये स्ट्रिंग डाली है। तो स्ट्रिंग भी बहुत प्रिटी लग रही है, मेरी टॉप से बहुत मैच कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं दूसरा एग ओपन करना। ले आओ आरव को, ले आओ सर। ये है ईस्टर का जो एग है, ये है। सो अभी इसको सरप्राइज दे रहे, एक सरप्राइज तो सुबह दे चुके हैं। आरव Wow.
बनाया है और सच में बहुत अच्छा टेस्टी बनाते हैं। बट मैं नॉनवेज नहीं खाती, बट उसकी पिक्चर से ही पता चल जाता है कि नॉनवेज अच्छा बनाते हैं। पिक्चर से क्या, बहुत लोगों ने इनके हाथ का खाया भी है तो सब कहते हैं कि नॉनवेज अच्छा बनाते हैं। नॉनवेज क्या, कुकिंग अच्छा ही करते हैं, वेज भी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं इसका फुल व्लॉग चिकन का ना आपके साथ शेयर करूंगी, और बनाऊंगी मैं तो नहीं क्योंकि मुझे मैंने बनाना छोड़ दिया चिकन, बट बनाएंगे मेरे हस्बैंड। सो खाना वाना खा के थोड़ा सा बाहर राउंड एक लगा के आएंगे, इसको एक झूला तो झूला ही लेके आएंगे, बाकी शाम के टाइम पे भी हम निकलेंगे इंजॉय करने। थोड़ा सा आज बच्चों का दिन है तो बच्चों के लिए तो बनता है ना पूरा टाइम। अब तो गाइस अब लंच बन चुका है, अब बस लंच करना है हमें। सो मेरे हस्बैंड ने चिकन बना चुके हैं तो मैं आपको उसका चिकन बनने के बाद चिकन का लुक दिखा। तो ये है चिकन मेरे हस्बैंड ने बनाया है, तो हम लंच करें तो हम लंच करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस खाना वाना खा के अब लंच वगैरह दिन का लंच करके अब बाहर निकले। सो मैंने जैसे आपको बताया था हमारे घर के पीछे ही चैंत्रों में ना झूले लगे हैं, मतलब एक झूला लगा है काफ़ी बड़ा, तो तीन दिन तक चार दिन तक लगेगा, तो वहीं वो बंद हो चुका है। फिर भी हमने सोचा कि खाना लंच किया है तो थोड़ा सा एक राउंड लगा जाते हैं, 4 बजे या 5 बजे दोबारा हम आ जाएंगे वापस। वॉक करना भी ज़रूरी है तो बेटा भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेगा, वो इंजॉय कर ही रहा। ये झूला लगा एक, तो वो पास कवा में झूला लगता ही है चैंत्रों में, तो है बड़ा, तो अभी क्लोज हो चुका है ना देख, तो धूप है। हाँ बंद है बेटा, देख दिखा के लेके आते हो, देखो टाइमिंग है इसका बंद होने का, ये देख सकते हैं ये। तो अभी चर्च वगैरह भी बंद हो चुके होंगे, नहीं तो मैं चर्च का भी आपको वो दिखाती हूँ। हाँ जी सुनो, चर्च ओपन है, बंद होगा तो चर्च बंद है, हस्बैंड बोल रहे अगर खुला होता तो मैं आपको उसका भी मतलब अंदर का ना बहुत अच्छा है चर्च का। ऐसे ही मैं देखो चर्च का जो बैल है घंटा बजा। टाइम हो चुका है, 6 बज गए हैं, तो मैं उठ के चाय वाय वगैरह मैंने बनाई है, हस्बैंड को भी चाय दी है। सो बस चाय पी रहे थे इतने में भूना आ गई, मतलब हमारी जो नेबर है बहुत प्यारी, बहुत रिस्पेक्टेबल जो है हमारी नोना बोलते हैं, सो वो आई है तो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई है। मतलब एक तो उसने मॉर्निंग में मेरे बेटे को दिया था चॉकलेट वाला अंडा बुना पास का में, और मेरे लिए 2 इयररिंग्स लेके आई है, तो मैं अभी इसको वेयर कर लूँगी जब बाहर जाएंगे चूल्हा जलाने बेटे को, तो मैं ये इनमें से देखती हूँ इनमें से कौन से इयररिंग में पहनूँ, तो मैंने उनको थैंक यू बोल दिया है। फिर 6:30 हो गए हैं, हम वापस चैंत्र में आए झूला झुलाने के लिए। सो गाइस आप देख सकते हैं झूला स्टार्ट है झूले के लिए, तो मेरे हस्बैंड पहले टोकन ले रहे हैं, बैठ जाएगा ना अकेले। हाँ टिकट लिया है उन्होंने, 3 लिए हैं कि 3 बार जा सकता है ना, कभी झूठा है ना तो उसको अकेले नहीं बिठा रहे, तो पापा के साथ में बैठे हुए हैं।
गया है ना, अब डर नहीं रहा। ये रही, इसको पता नहीं है। ये रही, खुश हो रहा है आपको। तो गाइस देख सकते हो ये क्राउड है यहाँ पर, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है क्राउड। ये इसके पापा, हाँ आप इसे डंडा पकड़वा लो। हाँ अप एंड डाउन हो रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। वाओ अरे वाओ वाओ अरे वाह, मम्मी आपके साथ ही है जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हां वाओ, चाओ दे करो सामने, देखो सब्सक्राइबर को चाओ कर दे, चाओ कर दे, लेकर सब्सक्राइबर सामने दे। ये झूला झूल के यहाँ बच्चों के साथ खेलने लग गया। अंजाम आ रहा, बाय। चलो चलो झूला झूलने, फ्री वाला झूला झूला लेते, झूला झूलते। पूरा डाल दो नन्ना, शाबाश। हाँ ब्रावो, बस बस था। गाइस मेरा बेटा है ना, ये मैगी का ज्यादा दीवाना है, मतलब मैगी और पास्ता चाउमीन मैगी। सो ये अपने आप खुद बना देता है, पानी में रख देती हूँ, अपना खुद कुकिंग करता है ये ना, अपना मैगी बना लेगा, चाय बनाएगा। सो ये इसका नहीं ना, मेरी जो आज की एक्टिविटी रही है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। सो झूला झूला शाम के टाइम पे झुलाया है, अपने बेटे को बाहर लेके गई हूँ शाम के टाइम पे, और झूला भी झुलाया है। सो घर पे आ गए और डिनर का टाइम हो गया है, और हमारा तो नहीं बट मेरे बेटे का डिनर का टाइम हो गया, तो वो अपने आप से मैगी बना रहा है, कहते मम्मा ऐसे करके बताते हैं, मतलब मुझे मैगी खिला दो, मतलब इसका फेवरेट रहा है मैगी चाउमीन पास्ता, ये ना इसका फेवरेट है। तो ये मैगी इसको रैप, मतलब खोल के, रैपर खोल के थोड़ा सा तोड़ के दे दो, तो खुद ही अपने आप मैगी ना पानी गर्म कर तो बना लेता है। तो आपने देख रहे होगे अभी जैसे मैं बना रहा है, अभी तो धीरे तो वेट कर रहा मैगी कि 5 मिनट में मैगी बनती है, पता है। आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, और आई होप आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगेगा। और मेरे हस्बैंड का जो बनाया हुआ चिकन है, चिकन ग्रेवी, तो वो आपको क्या, अगर उसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं नेक्स्ट टाइम ब्लॉग कोशिश करूंगी, हस्बैंड जब मेरे हस्बैंड का ऑफ होगा तो वो चिकन आपके जब चिकन बनाएंगे तो उसका व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो यहाँ का व्लॉग, तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज मेरे, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूल लीजिएगा। सो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। Bye, 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 b